हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आपका पूनम्स किचन में वेलकम करती हूँ। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज की रेसिपी है साबूदाना खीर। दूध को बॉईल करना है, उसमें एक इलायची डाल दी है, अब डाल दी है चीनी, मीठा आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डालें। दूध को हाई फ्लेम पर बॉईल होने देना है और चलाते भी रहना है। साबूदाने को मैंने 2 घंटे भिगा के रखा था। अब डालने हैं साबूदाना। अब साबूदाने डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाले हैं बादाम, पिस्ता और काजू। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये खीर आप व्रत में खा सकते हैं। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है। इसे आप एज अ डेजर्ट सर्व कर सकते हैं। साबूदाने ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं और खीर गाढ़ी भी दिख रही है, इसका मतलब खीर रेडी हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। व्रत में मीठा खाने का मन हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये खीर व्रत में खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी नवरात्रि।